हिंदी साहित्य के पाठकों को, बल्कि हिंदी में पढ़ने लिखने का काम करने वालों को नामवर जी के किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। नामवर सिंह पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से हिंदी जगत की एक अनिवार्य उपस्थिति रहे हैं, और कहना चाहिए कि पिछले 35-40 साल से तो एक केंद्रीय उपस्थिति रहे हैं, जिनके बारे में उनकी केंद्रीयता के अलावा अगर कुछ निर्विवाद है तो यही कि वो अत्यंत विवाद उत्तेजक, विवाद प्रिय और विवाद उत्पन्न करने वाले
विचारों का आलोचक है। ये हमारे लिए सचमुच गर्व की बात है कि हमारे बीच नामवर सिंह जैसे प्रथम कोटि के विचारक और आलोचक सक्रिय हैं, पिछले इतने सालों से सक्रिय हैं, और उनके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए और स्वयं उनसे कुछ अपने बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुनने के लिए हम लोग यहाँ आज हैं। एक बात और रेखांकित करना ज़रूरी होगा कि जिसे आजकल पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, उसकी भूमिका नामवर जी तब से निभाते आए हैं जबकि ये शब्द इस शब्द का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। तब से नामवर जी न केवल एक आलोचक और विचारक के रूप में, न केवल एक बहुत ही समर्थ और लोकप्रिय अध्यापक के रूप में, बल्कि एक अपने आसपास की चीज़ों के बारे में टिप्पणी करने वाले, उनमें हस्तक्षेप करने वाले पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में हिंदी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और चर्चित रहे हैं। नामवर जी के साथ बातचीत करने के लिए और उनके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ हमारे साथ विश्वनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हिंदी के अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध आलोचक, श्रेष्ठ अध्यापक, श्रेष्ठ कवि। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश शर्मा मौजूद हैं, कवि और पत्रकार, और श्री मदन कश्यप जो कवि हैं और लेखक हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस सभा में, अगर हम इसको सभा कह सकें, इस छोटी सी गोष्ठी में नामवर जी से जुड़े हुए या उनसे किसी ना किसी प्रकार प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, उनकी पीढ़ियां अगर आप देखें तो वो अपने आप में नामवर जी की उपस्थिति और उसकी निरंतरता पर एक टिप्पणी है, उसका एक परिचय है। और नामवर जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूँ। आपको एक लेखक के रूप में, शुरू तो आपने सबकी तरह कविता से ही किया था, लेकिन जैसा आपने खुद एक बार एक इंटरव्यू में मुझी से कहा था कि गए थे सरस्वती के मंदिर में कुछ पूजा करने और वहाँ कचड़ा इतना देखा कि झाड़ू उठा ली सो आज तक झाड़ू हाथ से छूटी नहीं है। तो शुरुआत तो आपने भी कविता से ही की थी, लेकिन उसके बाद एक आलोचक के रूप में, एक विचारक के रूप में, अब लगभग 60 साल होने को आए आपकी उपस्थिति को, मेरे मन में ये जिज्ञासा है डॉक्टर साहब कि इन पिछली आधी सदी को एक व्यक्ति के रूप में, एक लेखक और विचारक के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, आप स्वयं अपने जीवन को, जिन विश्वविद्यालयों से आपका संबंध रहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर सागर, जोधपुर और उसके बाद JNU, उनको और अपने खुद के लेखन को, उसके प्रभाव को और हिंदी समाज को और व्यापक दुनिया को किस तरह देखते हैं? आज पिछले 60 साल को जब पलट कर देखते हैं तो किस तरह की बातें, क्या भावनाएं, क्या प्रतिक्रियाएं मन में आती हैं? मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों से कुछ शेयर करें। हाँ पुरुषोत्तम जी, आप जैसे आदमी लोगों के बीच बैठ के पीछे मुड़कर अपने जीवन को एक बार देखना कैसा लगता है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा अवसर मालूम हो रहा है। और लगभग मैं 1950-51 ही इसलिए चुन रहा हूँ कि 51 में विश्वविद्यालय की शिक्षा मैंने पूरी की और वहाँ से जीवन में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ जी। वैसे भी वो वर्ष मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1950 में पंडित जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु के रूप में मुझे मिले थे
तो जिसको कट ऑफ पॉइंट आप कहते हैं 1950-51 से लेकर के ये कालखंड लगभग अब अभी 60 पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसके करीब है, जिसका लगभग आरंभिक 15 साल बनारस से जुड़ा हुआ है और उसके बाद भैरव को सोंटा लगा तो बनारस छूटा, काशी छूट गई और उसके बाद से दिल्ली आया थोड़े समय के लिए, जोधपुर रहा 3-4 साल और फिर दिल्ली। लेकिन 1965 में मैं दिल्ली आया था और 65 के बाद से ये दूसरा कालखंड भी एक जैसा नहीं है जी। हमारे देश के जीवन में इसमें परिवर्तन हुए हैं। मैं इसको यों बांट के देखता हूँ कि JNU में आना 1974 में आया हूँ, 74 से लेकर के JNU में 1992 में अवकाश मैंने ग्रहण किया, तो अपने जीवन की ये रूपरेखा जो तिथि क्रम से देखता हूँ, नौकरी कह लीजिए या पेशा कह लीजिए, तो एक अस्थिरता का जीवन था बनारस का हमारा। नौकरी मुस्तकिल नहीं थी, 5 साल बेकार रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 5 साल जो बनारस के थे और ये 1950 से 1965 इत्तेफाक से हमारे भारत, स्वतंत्र भारत का, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये पहला जो चरण है वो स्वर्ण युग है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जी भारत ने जो काम किया विकास के क्षेत्र में, साहित्य संस्कृति कला के बारे में, तीनों एकेडमियां उसी समय बनी थी, विज्ञान के अहम संस्थान बने थे और एशियाई लेखकों का सम्मेलन हुआ था जी, जी। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, भिलाई की नींव उसी समय पड़ी थी, तो वो स्वर्ण युग था जी। शायद इसीलिए आपने उस दौर को एक जगह लिखा है कि एक रोमांटिक जी दौर है वो, तो नई कविता उस दौर में और वो अपनी जवानी थी, तो जवानी का अपना दौर था। अब मैंने आपका भी स्वर्ण युग वही था, तो नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। पहला बाद में आया, पहला जो 15 साल है मुझे उस साहित्य का वो दौर याद आता है, लगभग काशी और प्रयाग इलाहाबाद साहित्य के दो केंद्र, जिसमें केंद्र में कायदे से इलाहाबाद था जी, प्रगतिशील लेखक संघ सक्रिय था जी, इलाहाबाद में परिमल था, पत्रिकाएं थी, लागडांट थी और एक चुनौती थी। व्यक्तिगत रूप से हुआ कि उस दौर में इन सारी चीजों के बीच कविता तो उनसे छूट गई। आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, और जो साहित्य की गहमा गहमी थी, जो साहित्यिक बहसें थी, उस दौर की मैं कल्पना करता हूँ तो, और यूं उत्साह था कि नया नया पढ़ाने का मौका मिला था विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था उसी में अध्यापन का भी मौका मिला था, तो पहली बार अध्यापन का जो अनुभव हुआ जी वो, और युवावस्था ये है थोड़ा सा। हाँ, दो बातें डॉक्टर साहब, एक तो ये कि जो कविता छोड़ करके आप आलोचना पर आए, तो आप कवि रूप में तो बहुत अच्छे थे, आज तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं कि अगर मैं कहूँ कि आपका जो कवि रूप है वो आपके आलोचक रूप से कम विचारणीय नहीं है, वो नहीं हो पाया अलग बात, क्योंकि संभावना को देखकर मैं कह रहा हूँ। तो एक तो ये कि आप कवि से आलोचक बनने की प्रक्रिया पर थोड़ा सा और बताएं अगर हो सके, संभव हो तो, और दूसरी बात ये कि अध्यापक के रूप में आप जितने अच्छे कवि थे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आलोचक हुए, और जितने अच्छे अध्यापक आप थे, तो काशी जब आप पढ़ रहे थे जिन दिनों,
उन दिनों तो ज्योतिष पुंज था विभाग में अध्यापकों का, इतने अच्छे अध्यापकों का, आचार्य द्विवेदी थे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, और आप कहेंगे कि आपको कायदे से नाम पहले आचार्य केशव प्रसाद मिश्र का लेना चाहिए। हाँ। एक कवि से आलोचक बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पहला था, दूसरा है उस समय के आचार्यों के बारे में। कवि से आलोचक, कवि के रूप में शुरुआत तो कविता से ही की थी इन्होंने, और डॉक्टर साहब ने शुरुआत के दिनों में जैसा कि होता है एक उपनाम रखकर आदमी कविता लिखना शुरू करता है, और डॉक्टर साहब ने नामवर सिंह पुनीत के नाम से कविताएं उस समय लिखी थी। वो बाद में अब डॉक्टर साहब बताएंगे पुनीत त्रिलोचन जी ने हटाया कि ये इससे कोई बात बनती नहीं है और ये एक तुम ठीक ठीक एक यथार्थवाद उभरता है सिर्फ नाम से। तो डॉक्टर साहब जरा बताएं इस पूरे प्रसंग के बारे में। नहीं, के बारे में बताऊंगा, लेकिन पुरुषोत्तम जी का जो सवाल है एक विहंगम दृष्टि, डाल करके फिर ब्यौरे में आएंगे। विश्वनाथ जी ने दो सवाल पूछे, उनमें आपने एक और जोड़ दिया, इस तरह सवाल ही सवाल रह जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब को कभी से आलोचक होने के बारे में पृष्ठभूमि बताइए। मैं जी समझ सकता हूं, हम सब लोगों को नामवर जी से बात करने की इतनी उत्सुकता और उनके बारे में जानने की इतनी उत्सुकता है, लेकिन जो बात चल रही थी और अपना जो एक खुद एक ओवरव्यू ठीक तरह चले तो बिल्कुल इनका सवाल था तो उससे जोड़ के मैंने कहा कि जो पहला दौर था जी युवा अवस्था का, वो साहित्य का के इतिहास से हमारा अपना काम धाम भी जुड़ा हुआ है। दूसरा दौर जिसे मैं कह रहा हूँ कि 1967 के बाद आसपास बेकारी की हालत में थी, लेकिन मैंने आलोचना पत्रिका का संपादन नए सिरे से शुरू किया था जी। और उसमें पहला ही अंक था बहुत बड़ा, चौथे आम चुनाव के बाद का भारत, और तमाम साहित्यकारों की टिप्पणियां थी और उसके उस दौर का, यानी हमारे देश के लिए भी, क्योंकि नेहरू युग का अंत हुआ, एक नया युग शुरू हुआ, संक्रमण काल कह लीजिए, 4-5 साल का था इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के पहले चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, और फिर कुछ देर बाद बांग्लादेश को लेकर के युद्ध हुआ। तो वो संक्रमण काल लगभग चौथे आम चुनाव के बाद, और संबित सरकारें बनी थी आपको याद होगा, जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ हिस्सा बटाया था, समाजवादी लोहिया की, ये लोहिया का युग था, गैर कांग्रेस जी, लोहिया का गैर कांग्रेस। तो एक वो संक्रमण काल था, उस काल के साहित्य के बारे में कि उस काल का साहित्य जो था वो अकवितावादियों का था, उस समय युवा धूमिल उस दौर के कवि हैं जी, राजकमल चौधरी उस दौर के कवि हैं। उस साहित्य में आप देखें तो जिस प्रकार का वो कोई लोगों की दृष्टि में नंगई का दौर था, विद्रोह विक्षोभ का दौर था, ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी दौर में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, बड़े विक्षोभ का वो दौर था जब मैंने आलोचना शुरू की थी 67 की। उसके बाद फिर जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आया हूँ 74 में, तो 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो लगभग आप देखें कि हमारे लोकतंत्र में एक के बाद एक, और उसी तरह से साहित्य में देखें, लेकिन कुल मिलाकर के लगभग JNU में काना इमरजेंसी लगना, और फिर 84-85 तक का एक दौर है, किसी तरह वो 85 का दौर खत्म होता है। मैं युगों में इसलिए बंटवारा कर रहा हूं कि 50-60 साल में हमने 60 साल में कई युग युगों से गुजरना पड़ा है, बिल्कुल जी, ये 60 साल छोटा नहीं है, बिल्कुल हमारे नए पैदा होने वाले गणतंत्र के लिए जी। और उसके साथ ही हमारे साहित्य में इतने बदलाव आए हैं, 50 के दशक में जो साहित्य था और जो साहित्यकार थे, 60 के दशक में उत्तरार्ध में दूसरे साहित्यकार आए, तो मैं ये कह रहा हूं कि चार दौर गुजरे हैं जी, और उस दौर से गुजरने का मौका मिला है, भोगता भी रहा हूं
और अपने ढंग से संघर्ष भी करता रहा हूँ। इस पूरे दौर को जांचने के लिए, सुविधा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1967 से जब मैंने आलोचना का प्रकाशन संपादन शुरू किया तो कुछ विषय चुन करके, क्योंकि आलोचना के माध्यम से, उस पत्रिका के माध्यम से नहीं, आलोचना जैसा जो जैसी विधा है जी, इस विधा के द्वारा कुछ मुद्दे मैंने उसमें लिए थे। संवाद शुरू किया था कि आलोचना एक संवाद है और आलोचना पत्रिका ही चौथे आम चुनाव पर भी बात कर सकती है, साहित्य के अंतर्गत ही है कि हम चौथे आम चुनाव के बाद का भारत। तो राजनीति और समाज, और उसके बाद मैंने एक आलोचना की भाषा क्या हो एक संवाद रखा था जी। बहरहाल मैं आलोचना पत्रिका के माध्यम से लगभग 67 से लेकर के 1990 तक उन अंकों को कभी कभी उलट के मैं देखता हूँ तो इस दौर की का, इसके आईने में मैं भारत को देखता हूँ, अपने साहित्य को देखता हूँ। कौन कौन साहित्यकार सहसा, यानी देखा जाए तो 50 के दशक के में जो कवि थे, लगभग अब लोग भूल गए हैं हम लोग, उस समय अस्तित्ववाद की चर्चा बहुत थी जी, व्यक्ति स्वातंत्र की चर्चा थी। पुरानी परंपरा के विरुद्ध परिमल के लोगों ने, और खास तौर से ये शीत युद्ध का जमाना था, कांग्रेस का कल्चरल फ्रीडम नाम की एक संस्था थी, एनकाउंटर निकालती थी, एनकाउंटर पढ़ करके वाम पर हमला, प्रेमचंद की परंपरा को नकारना, यद्यपि प्रगतिशील कवि नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल आदि आदि थे, लेकिन उनके बरक्स नई कविता अज्ञेय के नेतृत्व में आ रही थी, और इसका अच्छा दस्तावेज लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, जो शाही का बड़ा मशहूर लेख है। तो लोग कहते थे, और ये नेहरू के विरुद्ध एक तरह से था, क्योंकि नेहरू को लोग महामानव का प्रतीक मानते थे और उनकी समझ में लोहिया जो थे वो लघु मानव थे, तो लघु मानव, और वो समझते थे कि लिटिल मैन, छोटा आदमी। वो छोटा आदमी नहीं था बल्कि मध्य वर्ग का टुटपुजिया, उन विचारों का, उस प्रेमचंद के विरुद्ध ऐसे जिन लेखकों को, और जितने चाहे पंत जी रहे हों, निराला रहे हों, निराला को नकार तो नहीं सकते थे, लेकिन एक वो शीत युद्ध का दौर था जो मैं निजी रूप में देखता हूँ। और विश्वनाथ जी जब पूछ रहे थे कि कविता छोड़कर के, तो जिसको आए थे हरभजन को वोटर लगे कपास, मैं वही जानना चाहता, तो लगभग मुझे लगा कि ये जो चुनौती थी उस चुनौती में उसका जवाब कविता से तो नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, आपने गहरी व्यापकता और गहराई के नाम पर प्रेमचंद और जैनेन्द्र जी लक्ष्मण वर्मा का लेख 1956 में हंस का अर्ध वार्षिक संकलन अमृत राय और राव साहब ने मिलकर निकाला था, उसमें मैंने लेख लिखा था, और वो जवाब था ये व्यापकता और गहराई पर। और दूसरी ओर इसी दिशा में काम समालोचक पत्रिका के द्वारा डॉक्टर रामविलास शर्मा कर रहे थे, इसलिए साहित्य में एक ओर अस्तित्ववाद से प्रभावित व्यक्ति से भी यही बड़ा अजीब था कि उस समय कम से कम आप दोनों लोग मिलकर के एक दिशा में काम कर रहे हैं। निश्चित, और लंबे समय तक हम साथ काम करते रहे आपका। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो दिशा थी, एक तो धारा थी। मैं बहुत से लोगों ने बाद में रामविलास जी बनाम नामवर सिंह करके बहस चलाने की कोशिश की, वे लोग हैं जो कल पैदा हुए हैं अभी, वो नहीं जानते हैं। नहीं, सही बात है कि उस संघर्ष में रामविलास शर्मा पर के 70 वर्ष पूरे पर पहले, यानी वो आलोचना पहली पत्रिका थी जिसने विशेषांक निकाला था, उनका सम्मान यहाँ किया था। उसका समय आपने बहुत ज्यादा साक्षी लेख लिखा था, केवल जलती मसाला जी, बहुत सुंदर। तो इसलिए उस बात को छोड़िए, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी भाग में कोई नाम नहीं लेता था, ये और बात है। और उचित था कि रामविलास जी ने कविता के नए प्रतिमान की आलोचना करते हुए उन्हें लगा कि इसमें अस्तित्ववाद की छाया दिखाई पड़ रही है,
तो अस्तित्ववाद की छाया उनको दिखाई पड़ी थी, रहा होगा, क्योंकि संघर्ष उनसे अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि और कविता से के विरोध में लिखी हुई मुक्तिबोध की कविता है। वो विचित्र विडम्बना है कि रामविलास जी मुक्तिबोध के भी खिलाफ थे, वो समझते थे कि मुक्तिबोध में भी अस्तित्ववाद का तत्व है। तो इसलिए मैं देखने देखने का फर्क होता है, अच्छी ही कंपनी में था, यदि मुक्तिबोध में अस्तित्ववाद है और मुझे देख रहे हैं, मुझमें देख रहे हैं रामविलास जी, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य का वो दौर वस्तुनिष्ठ से देखे पुरुषोत्तम जी, जी तो बहुत जिंदा था। जी बहुत सही बात कही आपने। और हम लोग सांस उठते बैठते थे भारती के साथ भी, शाही के साथ भी, रोज का भी ये बहुत मार्केट भाषा बहुत स्वस्थ थी उस समय। हम विवाद थे हाँ? लेकिन झगड़े नहीं थे हाँ? या अनबोलापन नहीं था। ये अनबोलापन है तो बड़ी बड़ी व्यक्तिगत धारात्मक बड़ी आज की वैचारिक भाषा ना वो व्यक्तिगत आज की स्थिति अनबोले बहस करते थे। भारती से भी मिलते थे, भारती के घर जाते थे, इलाहाबाद में जाता था तो शाही से, चूंकि बनारस का हमारा संबंध था तो शाही के घर में पहला काम करता था मिंटो रोड से विजय जवान शाही के यहाँ जाता था, घंटों बिताता था। लक्ष्मीकांत वर्मा से मेरे संबंध थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी से थे। जी जी, इन सब लोगों से मिलना जुलना था। रामस्वरूप चतुर्वेदी को तो आपने JNU में एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए बुलाया था, महीना रहे थे। तो एक चीज थी, मैं उस दौर को आज के दौर को देखते हुए कहता हूं कि एक जगह उठना बैठना, खाना पीना, बहस करना, मतभेद रखना, ये जुड़ाव मैं समझता हूं कि उस समय का वो कलह आज के दौर को देखते हुए बेहतर था। उस समय साहित्य में लोकतंत्र ज्यादा था, अनबोलेपन से बेहतर था, क्योंकि मतभेद था हम लोगों में लेकिन वो वैमनस्य नहीं था। और ये हमारी राजनीति में था, मैं कहना चाहता हूँ जी, जवाहरलाल नेहरू की पार्लियामेंट में उनके विरोधी भी थे, वामपंथ के लोग भी थे, राज्यसभा में ऐसे स्वतंत्र पार्टी के लोग भी थे, अनेक लोहिया भी थे जी। इसलिए उस दौर में देखें तो राजनीति में भी लगभग वैचारिक मतभेद होने के साथ साथ एक जगह खड़े हो सकते थे, अनबोलापन नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूं कि वो पहला दशक हमारे साहित्य का, हमारी राजनीति का, हमारे सार्वजनिक जीवन का, वह दौर सच्चे अर्थों में आज की तुलना में लोकतांत्रिक था। आपने कहा स्वर्ण युग था, और स्वर्ण युग मुझे दिख रहा है, उसको नेहरू युग कह सकते हैं ना, नेहरू युग तो उसे कह सकते हैं। आप स्वाधीन भारत का प्रथम दौर नेहरू, पहला दशक नेहरू जी के नाम से ही जाना जाता है, और उसके केंद्र में जवाहरलाल नेहरू थे। उन जवाहरलाल नेहरू ने जितनी एकेडमियां कायम की थी उसमें विभिन्न पद्धतियों के, विचारों के साहित्यकार कलाकार शामिल थे। सुरेश जी कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि यह जो अनबोलापन आया है आपके जो 50 या 60 वर्षों का जो पिछला मूल्यांकन कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि एक सामंजस्य था लोगों में एक दूसरे के प्रति समझने की, और संवाद होता था, और आप संवाद आपने आलोचना में उसका एक बहुत प्रसिद्ध कॉलम चलाया भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कब से संवाद खत्म हुआ है, क्या नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ उसके बाद उसका जो असर साहित्य पर आया, और सीधे सीधे वर्ग संघर्ष और जो साहित्य में उसके विरुद्ध लोग हैं उनके प्रति जो भावनाएँ आई सामने, कब से ये अनबोलापन हुआ है, क्यों ये दूरी हुई है, कोई सोशियोलॉजिकल कारण होगा इसका? देखिए ऐसा है कि अगर आप देखें इसका विस्तार भी आगे हुआ। 1967 से जब मैं आलोचना की बात कर रहा हूँ जी, समालोचक बंद हो गया, दिनमान निकलने लगा था, मैं जनयुग में आया था, तो रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, ये पुराने मित्र तब के थे, उनसे संबंध इसके बीच भी बना रहा। और वात्स्यायन जी से मैं फिर कहूं कि कभी कभी लोग जिस तरह की चीज उड़ा देते हैं, वात्स्यायन जी से हमारा संबंध 1950 के आसपास का है, बल्कि 1946 में पहली बार जब वो असम के मोर्चे से लौटे थे तो उदय प्रताप कॉलेज में उनका व्याख्यान कराने में ले गया था, और असमिया मच्छरों पर बोले थे तो सरस्वती प्रेस में ठहरे हुए थे। उसके बाद
इलाहाबाद आते हुए उनके यहाँ जाता था, और लोग भूल जाते हैं कि डेढ़ साल तो जोधपुर में जहाँ कोई कुछ नहीं था, तो रोज़ सुबह शाम का मिलना हमारा बात सेन जी का था, उसी जोधपुर यूनिवर्सिटी में वो भी थे, बल्कि उन वो कैसे जोधपुर आए और किस तरह की तरकीब भिड़ाई जाए वो वाइस चांसलर जानते हैं, मैं जानता हूँ, वात्स्यायन जी जानते थे। मैं कहना चाहता हूँ जो अनबोलेपन की बात कर रहे थे, ये लंबे समय तक उसके दौर में भी आप देखें तो आलोचना के अंक में उस समय के नक्सलवादी कवियों की कविताएं हमने छापी थी। आलोचना में अमरजीत चंदन का अनुवाद भी छापा था और उन लोगों से संवाद था, बल्कि हम आलोचना के जो गोष्ठियां करते थे उसमें उनको ही बुलाते थे। मुरली बाबू का तो पूरा छापा था, लेख ही छापा था, लेख छापा था मुरली बाबू का। इसलिए वो संस्कृति और स्वयं वामपंथ में कई धाराएं हों, जन की मीटिंग में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में जब कमलेश जी थे और ओम प्रकाश दीपक थे, ओम प्रकाश दीपक से मैंने आलोचना में लिखवाया था, और जन की बैठकों में शाम को जो हुआ करती थी तो जाते थे हम गुरुद्वारा रकाबगंज, जाते थे मेरे गुरुद्वारा रकाबगंज 7 नंबर पर, तो समाजवादियों से भी था, गांधीवादियों से था, और ये जो व्यक्ति स्वतंत्र का नाम लेने वाले जो अमेरिकी एजेंट तथाकथित कहे जाते थे उनके साथ भी था।